करें, वो लड़का हमको देखते ही देखते रो रहा, रो रहा लगता है। हम जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं हम ही हम चलेंगे ना घर, हम कहें हाँ बेटा चलेंगे, ऐसे ऐसे कह कर फिर लिया कर उसका मन कर देता है। अभी हम बिहार के सिवान के बरहरिया गांव में मौजूद हैं, जहां पे दंगे हुए हैं। दंगों के बाद से डर का माहौल है, जिसके बाद से एक 8 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने डिटेन करके रखा हुआ है। आज तीसरा दिन है, लगभग 50 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और पुलिस ने अब तक उस बच्चे को रिलीज नहीं किया है। उस बच्चे का नाम रिजवान है और रिजवान की अम्मी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि रिजवान को पुलिस ने बताया है कि वो पत्थर चला रहा था, तो हमारा लड़का 8 साल का है, हमारा लड़का 8 साल का है, वो गया था नमाज पढ़ने, उसका साथ में दादा भी है पढ़ने गए हैं। उनका दादा जब आंकड़ा लेकर चला गया अंदर मस्जिद के पास, वो डर गया था। अब प्रशासन आकर हमारा लड़का को दादा को लेकर चले गए, बिना उठी है हमारा कसूर लड़का दादा भी लेकर चले गए लोग थाना में। हम लोग को मालूम नहीं था, 11-12 बजे रात को यह मालूम हुआ कि रिजवान उसका दादा थाना में है, तब हमारा जी में जी मिला है। सुबह को उठकर हम गए नाश्ता ला देने, तो हम कहे हमारा लड़का है रिजवान नाम का, तो बोला है कि हाँ है अंदर है, हमको तो दिखा दीजिए, हमको उसको नाश्ता खिलाना है, खिया करता है तो दो तुम बात करना है। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, यहाँ बात उतना ही करना है, रास्ता नाश्ता रखिए चले जाओ, जब तक रहोगी तब तक नहीं देंगे खाने के लिए। तो हम चले गए, फिर 7-8 बजे रात को फोन आया था उसी में से, थाने में से, कोर्ट में से, कोर्ट में से फोन आया था, तो वहाँ से बोला कि गार्जियन को भेज दीजिए उसका प्रूफ लेकर। अब लेकर हम गए तो वहाँ पर लड़का के हाथ में लगा था रस्सी, वो सब खोल दिए हैं लोग, आके हमारा लड़का हमारे हाथ में हमारे